में दिया है 10.75 के लिए ना। चलिए तीसरे में LHS लीजिए 10.75, तो इसको इसी तरह से 10.45 और प्लस 30 ले सकते हैं ना, 45 प्लस 30। याद करा दे फिर से आपको कि टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यही होता है फॉर्मूला। यानी हो जाएगा 10.45 प्लस में 10.30 और फिर बटा में आएगा 1 माइनस 10.45 इंटू में 10.30, यही ना होगा। चलिए यहाँ 10.45 का मान तो 1 होता है और 10.30 का मान 1/√3, उसी तरह से यहाँ चलिए इसका मान 1 है तो 1 ही रहने दीजिए, यहाँ 10.45 का तो 1 हो गया, इसका √3 1/√3, तो यहाँ 1 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, 45 का तो 1 होता है, 1 में इसे इंटू हो जाएगा तो यही आ जाएगा, यही बचेगा ना। चलिए है ना, अब इसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं ऊपर नीचे। ऊपर एलसीएम लीजिए √3, यहाँ होगा √3 + 1, नीचे भी उसी तरह से यहाँ भी एलसीएम लीजिए, यहाँ होगा √3 - 1, ये और ये कट गया, बच जाएगा √3 + 1, सही से लिख दे इसको √3 + 1 और बटा में √3 - 1। चलिए अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करना तो आप सीखे ही हैं, कैसे रेशनलाइज होता है ना, हर का परिमेयकरण यहाँ करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। चलिए तो यहाँ √3 + 1 ऊपर भी और √3 + 1 नीचे भी। चलिए ऊपर ऊपर इंटू करेंगे तो √3 में √3 से 3, इसमें √3 में 1 से √3, फिर 1 में √3 से √3 और 1 में 1 से 1, और नीचे देखिए एक बार प्लस माइनस में है तो नीचे a² - b² लगा दीजिए। चलिए 3 + 1 = 4, 4 + 2 √3 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। चलिए ऊपर से क्या कॉमन है, तो ऊपर से कॉमन है 2 कॉमन करिएगा तो बचेगा 2 + √3 / 2, 2 कट गया ना, यहाँ से प्रूफ हो गया कि नहीं 10.75 = 2 + √3। बाकी अब इसी तरह से बना लीजिएगा। चलिए